टेढ़ी लकीर का ये दूसरा हिस्सा है, असमत चुपताई का। लोगों को शादी ब्याह का अरमान होता है, मगर सुमन को कुछ दिन से किसी को घुसा मारने का अरमान हो गया था। बैठे बैठे उसके जी में भड़बड़ाने लगता, उसका जी भड़बड़ाने लगता कि वो किसी को मारे, अपने मोटे से घुसे से घुमा घमा घम किसी को कुचल कर रख दे। बारहा ऐसी हवा ऐसा हुआ जहां सूखी हुई पेट का नन्ना सा लुकमा उसके हर जिंस पर लरजने लगता है, या उसे नन्ही सी चूहिया की तरह जो सुबह से तीन बार सहमी हुई नजरों से संदूक के पीछे से झांक चुकी है, या वो किसी और चीज को घूर रही है। एकदम उसे मारने का शौक चढ़ता। घर में ऐसा दयालु कौन था जो उसे पीट लेता। मंजू क्या मजे से जब चाहती थी उसे उसकी कमर पर घूसा जमा देती थी। उसका भी दिल चाहता कि एक दिन वो भी मंजू बी को ठूस कमर पर एक घूसा जमाए मंजू के मजे से जब चाहती उसे उसके कमर पर घूसा जमा देती। उसका भी दिल चाहता कि एक दिन वो फिर मंजू बी की ठोस कमर पर एक तगड़ा सा घूसा जमाए। फिर तखयुल ही में वो मंजू के पीटने लगती और थप्पड़ गाल पर मार कर उसके कपड़े उतार डालती और नहलाने लगती। उस वक्त उसे कहीं से अपनी भोली बिसरी अन्ना का धुंधला सा खाका याद आ जाता और उसका जी भर आता और वह गुस्सा चढ़ जाता और वह मंजू के सर पर दे डालती डालकर खूब घुसने लगाती जोर जोर से झानों से उसकी कोहनियां और गुट्ठे छिलने लगती। फिर घरदार सारा तौलिया लेकर खरदार तौलिया लेकर इतना रगड़ती के मंजू की खाल उतर जाती और नाक लाल सुसुंदर हो जाती और एक कान की लो टूट कर ही उलझ जाती। फिर वह उसे एक उम्दा सी फ्राक पहनाकर कहती, खबरदार जो टांगे तोड़ बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगी। मगर वो तखयुल की दुनिया से जाग कर वापस आती तो कहती कि कुछ भी नहीं, उसके दोनों हाथ पत्थर की मूर्ति की तरह गोद में अकड़े हुए हैं, गर्दन की रगें तने तने दुख गई हैं। वो एक इंतकाम भरी लिबास सांसें लंबा सांस खींच कर जिस्म को और तान लेती और एकदम पागलों की तरह जोर जोर से बिस्तर पर घुसों की बारिश करती। जब वो जी भर के कूट चुकती तो थक जाती, जिस्म की ढेला छोड़ देती और बड़ी ही सुकून से एक दिन बैठे बैठे उसे अपनी गुड़िया को मारने का दौरा पड़ा। पहले तो उसने उसके हौले होते दो तीन तमाचे मारे। फिर एकदम उस पर भूत सवार हो गया। धा धड़ उसने घूसा और लातों की गुछार कर दी, दांतों और नाखून से उसके पुर्जे कर दिए, गोया वो अपने किसी खौफनाक दुश्मन से लड़ रही हो। गुड़िया का चूरा चूर हो गया, उसके जिस्म में भड़ास बराबर बिखर गया और कुछ सुमन की जबान पर चिपक गया। उसके बाद उसका पीठ भर गया और इत्मीनान का सांस लेकर वो हांफती कांपती हुई छत पर चढ़ गई। बरावे का मजा बड़ी देर तक बुरे बरवाले का मजा बड़ी देर तक उसकी जबान पर खून की तरह बाहर बह रहा था। फिर एकदम उस पर खौफ तारी हो गया,
जैसे उसने सचमुच किसी को कत्ल कर डाला। डर कर वह खलियाले ने खलियान में गई। जल्दी जल्दी गुड़िया के पुर्जे संदूक के नीचे छिपा दिए और फिर पनाह की तरफ भागी। मंजू भी खबर बैठी अपना कुर्ता सी रही थी। उसके रान से लग कर लेट गई और उसकी गर्दन पर अपनी सहमी हुई उंगुलियां फेरने लगी। मंजू फराके सीना ही नहीं जानती थी, बल्कि उस दिन उसने एक बेकायदे का मंगा कर मशीन से डाला था। सुमन पास बैठी मशीन के दांतों को कत कत का कागज छिपाते हुए देखती रही। दांतों में हल्की सी लतीफ खुजली होने लगी। उसने दांतों पर उंगली फिर कर अजीब सी अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस की। कायदे से कर मंजू ने उसे अपने गोद में बिठा लिया। आज तुम पढ़ना शुरू कर दोगी, अच्छा? अच्छा, सुमन ने मान लिया और कायदा देखने के लिए उचकने लगी। ये पहली या शायद दूसरी किताब उसकी जिंदगी में दाखिल हो रही थी। एक तो वह जिसे पढ़ते में परेशान करने पर मंजू भी उसे मार दिया करती थी, वैसे घर में पढ़ने लगने लिखने का सारा दिलचस्प सामान उसके पहुंच से दूर रखा जाता था। मारने के काम का तो था नहीं ये कायदा। उससे बेहतर तो वह अखबार होता था, जिससे अब्बा लिफाफा बनाकर प्यार में उसके सर पर मारा करते थे। देखें मंजू भी उसने किताब लेकर देखना शुरू की। फिर फ्राक में उसकी फतनी सी बनाकर मंजू के सीने पर मारी। उसे गधी तमाम मोटर का मोड़ कर रख दी। मंजू ने उसे कायदे से ले लिया। देखो ये अलिफ है, अलिफ। कहा, उसे बिल्कुल यकीन ना आया। ये अलिफ है, अनार है, अलिफ से अनार है। हैं, अलिफ से अनार कहा होता है, अलिफ से तो आतिशबारी में फूटता है, फरफर है ना। मिट ये देख, बस ये देख, ये अलिफ है, अलिफ से अनार कहो। यूं कहो अलिफ, नहीं हम नहीं कहते। पहले ये बताओ ये क्या है? ये जिस्म है, और ये स्वाद, ये जीम है, और ये स्वाद ज्वाद है। ओहो, स्वाद ज्वाद नहीं है, ये तो चाय दानिया है। चल पगली, ये देखो अलिफ से अनार कहो कहो। वो बेवकूफ की तरह मंजू का मुंह तकने लगी। अरे मैं कहती हूँ अलिफ कहो, सब्र का पैमाना झलका। अलिफ कहो। चुड़ैल, मंजू ने धक्का देकर उसे अपनी गोद से उंडेल दिया और उठकर बरामदे से मैं चली गई। सुमन ने कायदा उठा लिया, बिल्कुल सुअर कम्बख्त था। कायदा काली काली टेढ़ी तस्वीर है, सिवाय लोटे की शक्ल के स्वाद के उसे कुछ ना भाया, और जीम को तो वह देखकर जल गई। किस कदर इतराई हुई महतरानी की शक्ल की थी। तौबा, अलिफ से अनार मुंह भला कैसे? ये मटके के शक्ल का अनार ना लाल लाल रंग चिंगारियां ना कुछ, बिल्कुल रद्दी। खैर, अलिफ तो पढ़ लेगी, मगर जीम तो मर जाए जब भी नहीं पढ़ेगी। बहुत होगा, मंजू घुसे मारेगी, मगर हरज ही क्या है? मारने दो, अपना क्या जाता है? धूम से जैसे मुहर्रम में ढोल बजा, उस पर
फिर किसी को मुहर्रम के ढोल की तरह पीट डालने का जुनून सवार हो गया, मगर वह जब्त कर गई। उसने ध्यान बटाने के लिए कायदा उठा लिया। कित कित मशीन के दांतों की निशान देखकर उसके अपने मसूड़ों में सुइयां सी चुभने लगी। यूं ही जो सरे पर लटकता हुआ दौड़ा पकड़ कर खींचा तो कच्चे जख्म की तरह टांगे टूटते चले आए। बड़ा मजा आया जैसे वह जल्दी जल्दी छोटी छोटी सीढ़ियों पर से उतर रही हो। कायदे के वर्क बिखर गए। अरे मंजू, शर्तिया बुरा मानेगी, और क्या अजीब जो मार भी बैठे। उसने जल्दी से कायदे के वर्क समेट कर मशीन के दांतों के नीचे रख दिए और हैंडल घुमाते रही। कट 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 कट, और वो धर से उधर पड़ी मशाकी से चिल मागी। यहाँ तक के कायदा सोजनी की तरह टांकों से भर गया। खैर अच्छा हुआ, स्वाद स्वाद कमबख्त चाय तानी की शक्ल के गारत हो गए और जीम भी मिट गया। मगर जब मंजू बी ने कायदे की सूरत देखी तो तमाम गुज़िश्ता घूसों से ज्यादा वजनी घूसा जमाया। उसके बाद थपड़ा आया और चांटे मारे। वो देर तक बैठी बे आंसू की सूखी सूखी सबकियां भरती रही। अगर हर बार मार पड़ने पर आंसू गिरना लाजमी होता तो यकीनन मुसीबत हो जाती और उसकी आंखों के डीले कभी कसे गए होते। इधर मंजू के थप्पड़ों का खजाना कम होता ना नजर आता। वो जो हर थप्पड़ पर एक आंसू भी बहाती तो शायद सात समुंदर पानी होता सो भी खुश्क हो जाता। इसलिए वह अब बस गले से रोया करती थी। वो दिमाग बिल्कुल पुरसकून और गैर मुतासिर रहता। ये दूसरी किताब थी जिससे उसे लल्ली बोग्ज हो गया था। एक तो वो नावेल ही क्या कम थी जिसे पढ़ते वक्त मंजू भी उसकी किसी आहोजारी पर कान नहीं धरती थी। अब दूसरी जिसके आमद ही मंजू से साबित हो गया। मगर ये किताब तो उसकी जान को चिमट गई थी। ऐसी चिमटा दुश्वार हो गया। अलिफ तो खैर दिल पर पत्थर रख कर पढ़ लिया, मगर जीम हत्ता के स्वाद कम वक्त भी पढ़ना पड़ेगा। हैरत तो उसे जब हुई जब उसे मालूम हुआ इब्तदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हाँ। बात यूं हुई, उसने एक दिन मंजू से पूछा, मंजू भी जब कायदा खत्म हो जाएगा तो मिठाई बटेगी ना? हाँ, और फिर दूसरी किताब भी शुरू होगी। दूसरी फिर पढ़े जाए, फिर बड़े से भाई जैसी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पढ़ भाई जैसी मोटी मोटी किताबें पढ़ा करना। मंजू ने निहायत मासूमियत से बताया। किसी ओगी से वह उसे आने वाली बलाओं से दो चार होकर रही थी। खामोश अपनी गोद में साथ समेटे वो बैठी रही और ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक मोटी सी भयानक किताब उसके सर पर पत्थर की सल की तरह गिरती है, जिसमें स्वाद जीम से भी ज्यादा कमीने और गैर दिलचस्प अल्फाज मौजूद हैं। बहुत सी बहन भाई और फिरे पुराने खानदान में जिंदगी के दिन मारी माजी की तारीख में डूबते चले गए, जैसे कोई बहुत सी कंकड़ों को सोप में डालकर फेंक रहा है और हर कंकड़ सूप के दंदानी में पीछे काड़े जमाए हुए हैं। साए साए लंबी लंबी पलंगों की तरह जिंदगी गुजरने लगी। तीसरा हिस्सा। मंजू भी मारती थी तो
क्या था।